हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सपने देखना क्यों ज़रूरी है। सपने देखना इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं अगर, और उसका हमारे पास सपना ही नहीं है, उसका हमारे पास गोल ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। तो इसलिए सपने देखना ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की एक लाइन है कि सपने वो नहीं होते जो रात को हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते, ठीक है, जो हमारी नींद उड़ा दें, हमें सोचने पे मजबूर कर दें, उसको हम सपना कहते हैं। जब हम सपना देख लेते हैं कि 10 साल बाद यहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ, मैं 5 साल बाद यहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ, तो वो जो सपना है वो हम खुली आँखों से देखते हैं। और जब तक आप सपना नहीं देखेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, आप मान लो कि बस स्टैंड पर खड़े हैं और बसेज अलग अलग आ रही हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है, तो कौन सी बस चढ़ेंगे, समझे। आपको ये ही नहीं पता कि मैं कौन सी सिटी में जाना चाहता हूँ, कौन से स्टेट में जाना चाहता हूँ, मेरा काम क्या है, और लेकिन आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, तो फ़ायदा क्या। आप पूरा बैग तैयार करके आ गए और बस स्टैंड के बीच खड़े हो गए जाके, फ़ायदा क्या उस बस स्टैंड पर खड़े होने का। आपका गोल नहीं है, दिक्कत ही है। और जब तक आपका गोल नहीं है कोई, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए ये गोल बनाना, ये सपने देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सपने को आप एक जगह पे लिखें, ठीक है, किसी कागज पे लिख के, और अपनी अलमारी के अंदर, अपनी अलमीरा के अंदर कहीं चिपका दें, ठीक है। और कोशिश करें कि लोगों को ना बताएं इसके बारे में, जरूरी नहीं होता, ये अपने मन को बताना होता है कि मैंने ये सपना देख रखा है और इस सपने को मैं पूरा करूंगा, ठीक है। देखो, जैसे एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन में दो तरह के डब्बे होते हैं, एक होता है जनरल कैटेगरी वाला, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, एसी वाला, एक ओपन होता है ना जो, और दूसरा होता है एसी वाला। देखिए, अगर आप जनरल डब्बे में सफर कर रहे हैं तो एक एम बना सकते हैं कि मुझे इस एसी वाले डब्बे तक पहुंचना है। कितना डिफरेंस है एक डब्बे से दूसरे डब्बे तक का डिफरेंस है। लेकिन इस जनरल डब्बे में देखना, मस्ती से आराम से लोग बैठे हैं, कि जनरल डब्बे किस तरह से बैठे हैं, ऊपर भी लोग बैठे हैं, नीचे भी लोग बैठे हैं, इधर उधर सब लोग बैठे हैं। लेकिन एसी वाले डब्बे में देखना, इतनी सीटें होती हैं उसमें 10-12 भरी होती हैं, और आराम से न्यूज़पेपर बंदा पढ़ रहा होता है। तो उस एनवायरनमेंट तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको दम लगाना पड़ेगा, इस भीड़ में से निकल के आना पड़ेगा और उस डब्बे तक पहुंचना है, ठीक है। ये इस तरह के एम, अगर आपको लगता है कि ये मैं गोल अचीव कर सकता हूँ, ठीक है, और ये मैं गोल अचीव करके रहूँगा, तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना गोल डिसाइड करें, अपना कोई सपना डिसाइड करें जिसकी ओर आप दौड़ें। स्टूडेंट्स की दो तरह की कैटेगरी होती है, एक स्टूडेंट होते हैं जो देखी जाएगी फ्यूचर में, जो होगा देखी जाएगी, और यहाँ जो भगवान ने करना है वही होना है, जो किस्मत में होना है वही होना है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक होते हैं नहीं, जो होगा मेरे थ्रू ही होगा, ठीक है, अगर मैं करूंगा ही नहीं तो कैसे होगा, ठीक है, और अपने आप को वो बनाना शुरू करते हैं। कोई ये नहीं है कि जन्म से नहीं कुछ होता, ठीक है, ये जन्म हुआ और बंदा बहुत महान पैदा हो गया, जो बच्चा आया है वो सब सेम है, लेकिन जिसको ये पता लग गया कि मैंने अपने आप को सुधारना है, अपने आप को आगे लेके जाना है, और इस दुनिया में आगे आने के लिए अपने आप को समझना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मेरे में ये क्वालिटी नहीं है और ये क्वालिटी मैं लेके आऊँगा, चाहे मुझे 6 महीने लगे या साल लगे, तो उस क्वालिटी को अचीव करने में अगर आप 1 साल लगाते हो, 2 साल लगाते हो, उसके बाद अपने आप को देखते हो, तो आप बाकियों से अलग पाए जाओगे। आपको लगता है, आप कॉलेज में लगा लो, कॉलेज में आपको लगता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर अलग सीखने हैं, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट हैं वो कुछ नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, बाकी स्टूडेंट सिर्फ डिग्री कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरह की नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे आम दुनिया से नॉलेज हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, चाहे वो कोई और हो, लेकिन आप अपने आप को अलग बना रहे हैं उनसे, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और असली मज़ा कब आता है, असली मज़ा आता है जब वो सपना आप गोल अचीव कर लेते हैं, वो जब अचीव होता है तो उस जैसा कुछ नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना गोल डिसाइड करें, गोल नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आज ही अपने एक पेपर लीजिए,
पहन लीजिए, उसके अपना गोल लिखिए और उसको अपनी अलमारी के अंदर चिपका दीजिए, ठीक है। और अपने आप को टाइम दीजिए कि मुझे ये गोल अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी लिस्ट बनाइए कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, उसके बाद ये होगा, इतना टाइम मैं इसको दूंगा, ये करने के बाद देखना वो गोल एक दिन जरूर अचीव होगा। और मेरी तरफ से अभी से आपको ऑल द बेस्ट। तो आप ये सारा काम करेंगे या नहीं करेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मेरी बनाई हुई और वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। तो अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी।